చేవెళ్ళ సభలో కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన కామెంట్లకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఖమ్మం వేదిక నుంచి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కేసీఆర్కు బీజేపీకి మధ్య అంతర్గత స్నేహం ఉందన్న ఖర్గే వ్యాఖ్యల్ని తప్పుబట్టారు. బీఆర్ఎస్ నెత్తి మీద మజ్లిస్ కూర్చుందని అమిత్ షా అన్నారు. బీజేపీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మజ్లిస్ తో కేసీఆర్ తో కలిసి పనిచేయదని స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ వేదిక పంచుకునే పరిస్థితి లేదని అమిత్ షా క్లారిటీ ఇచ్చారు. शहर है और वो शहर से यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 53 साल पहले तो बोलते थे 70 साल में कांग्रेस क्या किया, अब इधर इधर वो बोल रहे 53 साल में क्या किया, क्योंकि उन्होंने घटा लिया वाजपेयी के जितने दिन थे, मोरारजी देसाई के जितने दिन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के कितने दिन थे और दूसरे लोग देवेगौड़ा का क्या, ये सब घटाकर अब 53 साल बोल रहे हैं. 53 साल में तुमने क्या किया, रिपोर्ट कार्ड दो. ये मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में कहा और कल आकर यहां भी बोलेंगे. उन्होंने यहां बोलते या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि केसीआर पार्टी का उनका दोस्ती हो गया है अंदर से, और अंदर से जब दोस्ती होती है जोर से बोल नहीं सकता आदमी. अब देखेंगे, अब इधर इधर तो बोलना भी बंद हुआ ऐसा मैं सुना केसीआर का. कांग्रेस के अध्यक्ष जी तेलंगाना आए थे, उन्होंने कहा चुनाव के बाद केसीआर और बीजेपी इकट्ठा हो जाएंगे. खड़गे साहब, इस आयु में क्यों झूठ बोलते हो? आपको भी मालूम है केसीआर के साथ ओवैसी बैठे हैं, और मैं बताने आया हूं तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए ओवैसी और केसीआर के साथ कभी नहीं जाएगी, केसीआर के खिलाफ हम लड़ेंगे.